Hi everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about Bhartiya Nay Sahitya 2023. Guys, जो आज की हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 जो डील करता है डेफिनेशंस को लेकर. बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट था कि मे बी भी बहुत सारी जो डेफिनेशंस है वो न्यू एड ऑन की गई हैं. तो गाइज अब हम आपको बताते हैं कि ये कौन सी नई वाली हैं और मोस्टली जो भी हमारे सेक्शंस थे गाइज उन्हीं को डेफिनेशंस क्लोज में एड ऑन किया गया है. नाउ लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं टोटल डेफिनेशंस की. गाइज जो टोटल डेफिनेशंस है 39 है. अब हम एक आपके साथ डायग्राम बनाया हुआ है इसे भी देख लेना. एक वे है जिस वे से हमने इसको याद किया है डेफिनेशंस को आपके साथ शेयर भी करते हैं. तो गाइज ये देखिए डबल ए एक्ट एंड एनिमल. गाइज एक्ट का जो सेक्शन है 33 IPC में मेंशन है. एनिमल जो सेक्शन है एनिमल है जो हमारा सेक्शन 47 IPC में मेंशन है. एक्ट का मीनिंग ये है कि कोई भी जो एक एक्ट किसी पर्सन ने बार बार उस एक्ट को कर रहा है उसे इंक्लूड होगा एज ए सिंगल एक्ट ही वो इंक्लूड होगा. तो गाइज एनिमल की अगर हम बात करें एनी लिविंग क्रिएचर मीन्स ह्यूमन बींग को छोड़कर कोई भी लिविंग जीव है क्रिएचर है वो क्या है एनिमल है. ट्रिपल सी मीन्स चाइल्ड काउंटरफिट एंड कोर्ट. जो चाइल्ड है गाइज चाइल्ड की ये वाली हमारी न्यू डेफिनेशन है BNS में. गाइज जो चाइल्ड है इसमें बात की गई है चाइल्ड की मीन्स जो भी जिनकी एज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स जिनकी एज 18 ईयर्स से कम है वो क्या है चाइल्ड है. काउंटरफिट मीन्स सेक्शन 28 IPC में मेंशन है जिसका मीनिंग है डुप्लीकेट मीन्स किसी भी पर्सन ने इंटेंशनली कोई ऐसी चीज बनाई है मीन्स किसी के साथ डिसेप्ट करने के लिए मीन्स धोखा करने के लिए मीन्स कोई भी चीज डुप्लीकेट बनाई है. तो नेक्स्ट है कोर्ट. ये गाइस सेक्शन 20 IPC में मेंशन है. कोर्ट में भी गाइस आपको पता है कोर्ट का मीनिंग ये होता है कि जिसमें लॉ के द्वारा एम्पावर्ड किया गया हो जज को जो हमारी कोर्ट की ट्रायल को कंटिन्यू करते हैं. तो गाइस नेक्स्ट आता है ट्रिपल डी. डी से डेथ, डी से डिसऑनेस्टली, डी से डॉक्यूमेंट. जो डेथ है ये हमारा सेक्शन 46 IPC में मेंशन है. डिसऑनेस्टली सेक्शन 424 IPC में मेंशन है एंड डॉक्यूमेंट सेक्शन 29 IPC में मेंशन है. अब बात करते हैं एफ. एफ मीन्स फ्रॉडुलेंटली सेक्शन 25 IPC में मेंशन है. ट्रिपल जी, जी से जेंडर, जी से गुड फेथ एंड जी से गवर्नमेंट. जेंडर की बात करें तो सेक्शन 8 में मेंशन है. गुड फेथ की बात करें सेक्शन 52 IPC में मेंशन था. एंड अब बात करते हैं गवर्नमेंट. गवर्नमेंट सेक्शन 17 IPC में मेंशन है. अब हम वन बाय वन इसको देख लेते हैं. गाइस ये देखिए जो हमारा सेक्शन 2 है वो डेफिनेशंस की बात करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट की बात करें डिनोट्स एज वेल ए सीरीज ऑफ एक्ट एज ए सिंगल एक्ट मीन्स एक पर्सन ने बहुत सारे एक्ट कमिटेड किए हैं सेम उसे क्या बोलेंगे एक सिंगल एक्ट ही बोलेंगे. एनिमल मीन्स कोई भी एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बींग को छोड़कर वो क्या है एनिमल है. चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स कोई भी पर्सन है जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है वो क्या है चाइल्ड है. काउंटरफीट ए पर्सन सेट टू काउंटरफीट हु कॉज वन थिंग रिजेंबल अदर थिंग मीन्स एक चीज से दूसरी चीज को चेंज करना रिजेंबल करना इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस ऑफ पार्टीज डिसेप्शन मीन्स उस पर्सन ने इंटेंडिंग मीन्स इंटेंशनली उस चीज को रिजेंबल किया है मीन्स उसे चेंज किया है क्यों किया है टू पार्टीज डिसेप्शंस मीन्स पार्टी को दूसरे पर्सन के साथ धोखा करने के लिए और नोइंग टू इट बी लाइकली वो जानता है कि मैं इसे मीन्स ये देखना पड़ेगा लाइक दैट डिसेप्शन विल बी देयर बी प्रैक्टिस्ड मीन्स वो उसने जो चीज़ की है वो प्रैक्टिस में करता है डेली उस चीज़ को एक धोखे के साथ इंटेंशनल के साथ करता है. तो गाइस ये उसको नॉलेज है कि ये चीज़ गलत है बट फिर भी वो दूसरों के साथ धोखा करने के लिए उस चीज़ को यूज़ करता है. इट इज़ नॉट इसेंशियल ए काउंटरफिट दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट. गाइस ये वाला जो सेक्शन क्लोज है हम आपके साथ अलग आपको वीडियो बना के इस पर हम आपको बताएंगे डोंट वरी. तो गाइस एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पर हमने छोड़ दी है ये हम आपको अलग से विद एग्जांपल बता देंगे. अब बात करते हैं कोर्ट की. कोर्ट का मीन्स है जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ जिनको लॉ के द्वारा पावर दी गई होती है कि वो
लॉ टू एक्ट जुडिशियल मीन्स उनके पास पावर है, जज के पास, सॉरी कोर्ट के पास पावर है, जो जज होते हैं वो कोर्ट में बैठते हैं, उनके पास पावर होती है कि वो लॉ के द्वारा कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जज इज एक्टिंग जुडिशियली मीन्स जज होते हैं वो एक एक्ट मीन्स अपना काम करते हैं एज ए जुडिशरी में। आगे बात करते हैं ट्रिपल डी, डी से डेथ, डी इज ऑनेस्टली एंड डॉक्यूमेंट। डेथ की बात करें वो आपको पता है, डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल। कोई भी काम आप कर रहे हो आपको इंटेंशन है कॉजिंग रॉन्गफुल, कुछ रॉन्गफुल गेन, कुछ रॉन्गफुल मीन्स बेनिफिट के लिए किसी दूसरे के पर्सन के साथ पर्सन का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट हम किसको बोलते हैं, कोई भी फिगर्स हो गया, कोई लेटर हो गया, मार्क हो गया, या फिर कोई भी इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्डिंग होगी इंटेंडेड टू यूज बी विच मे बी यूज एज ए एविडेंस। जो भी एविडेंस हम कोर्ट में पेश करते हैं अगर उसमें कोई भी फिगर है, लेटर है, मार्क है, जो कोई भी एनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्डिंग है वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। एक्सप्लेनेशन वन में क्या लिखा है, इट इज इमटीरियल वट मीन्स और अपॉन वट सब्सटांसिस द लेटर फिगर मार्क्स आर फॉर्म्ड whether the evidence intended for may be used to court or not। गाइस जब भी हम कोई भी evidence court में use करते हैं उसके बाद उसे accept किया जाता है या फिर नहीं ये भी देखा जाता है। illustration को हम देखते हैं कि कौन कौन सी हो सकते हैं हमारे document। a check upon a banker is a document। जो कई बार कई check क्या होता है कि check किसी एक person ने दूसरे person को check दे दिया कि आपने ये वाला check का payment मैंने करनी थी, तो आप क्या करना, मान लो ये देखो a है ये b है, a ने कोई भी मान लो कोई चीज ली ठीक बी से, और बी ने ए ने उसको चेक दे दिया, बी को पेमेंट ना करके उसे चेक दे दिया, और बी ने क्या किया पेमेंट पाने के लिए वो चेक जाकर बैंक में लगा दिया। वो चेक क्या था गाइज, वो फेल हो गया। जब चेक था गाइज वो बाउंस हो गया। उसके बाद चेक बाउंस होने के साथ आपको क्या मिलता है, रिटर्निंग मीमो। गाइज वो रिटर्निंग मीमो भी मिलता है आपको, चेक भी मिल जाता है, वो क्या होता है, दैट इज डॉक्यूमेंट। वो एक डॉक्यूमेंट होते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी भी एक डॉक्यूमेंट है, मैप हो गया, प्लान हो गया, ये भी क्या है, एक एविडेंस है, एक डॉक्यूमेंट है। अब बात हम करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस की। गाइज नेक्स्ट है फ्रॉडुलेंटली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डी फ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। मीन्स फ्रॉडुलेंटली का मीनिंग ये है कि किसी पर्सन ने कोई काम कर रहा है मीन्स उसकी इंटेंशन है किसी के साथ डी फ्रॉड करने की, उसे क्या बोलेंगे, फ्रॉडुलेंटली। आगे हम बात करते हैं ट्रिपल जी, जी से जेंडर। गाइस यहाँ पर बात हो रही है कि जहाँ पर भी हमारे क्रिमिनल लॉ में ही प्रोनाउंस्ड होगा उसमें किस किस को माना जाएगा, वेदर मेल हो, फीमेल हो एंड ट्रांसजेंडर हो, वो क्या होगा गाइस, वो जेंडर ही इंक्लूड किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, ट्रांसजेंडर शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू इट इन क्लॉज के सेक्शन 2 ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस। मीन्स गाइज जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 है उसका जो डेफिनेशन क्लोज है सेक्शन 2, इसका क्लोज के है जो बात करता है जेंडर्स की। आगे हम बात करते हैं गुड फेथ की, नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड इंटेंशन। किसी भी पर्सन ने कोई काम किया है जिसको उस चीज़ की कोई भी देखो विदाउट ड्यू केयर, उसने कोई ऐसा उसके पास ड्यू टू केयर भी नहीं है मीन्स कोई रीजन नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, बस उसने एक गुड फेथ में वो काम कर दिया। आगे क्या है गाइस, आगे हम बात करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है। जो आगे की डेफिनेशंस हैं वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की जो हमने जो भी आपके साथ जो वीडियो को जो भी डेफिनेशंस को डिस्कस किया गाइस, आप हमें बताना कि आपको हमारा जो वे है वो कैसा लगा, एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।